उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय द्वारा बनाई गई प्रदेश कार्यकारिणी को भंग कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश सचिव द्वारा जानकारी सामने आई कि प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह जल्द ही नई कार्यकारिणी का गठन करेंगे। वहीं प्रीतम सिंह के इस फैसले पर कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष किशोर उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस कार्यकर्ता हर परिस्थिति में काम करने को तैयार हैं। ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 70 और 80 के सालों में साबित की है। उपाध्याय का कहना है कि कांग्रेस परिवार में लोगों की कमी नहीं है, बस उनसे काम किस तरह लेना है इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हालांकि उन्होंने नई कार्यकारिणी गठित होने पर सहमति जताई है, लेकिन बातों ही बातों में नाराजगी भी जाहिर की। नई कार्यकारिणी गठित करने को लेकर उन्होंने कहा कि उनको कोई जानकारी नहीं दी गई। क्यों नहीं है, 77 और 80 के बीच में जिस तरह से कांग्रेस कार्यकर्ता खड़ा हुआ, 80 में कांग्रेस को वापस लाया, यहाँ कोई कार्यकर्ताओं की और हमारे कांग्रेस परिवार में लोगों की कमी नहीं है, उनसे काम किस तरह से लिया जाए वो बड़ी बात है। और प्रीतम सिंह जी उनसे काम लेंगे अगर नई कमेटी बन रही है, जैसा कि मैंने भी अखबारों में ही सुना है, उसमें किसको उन्होंने रखा है हमको इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो कोई बात नहीं की। लेकिन हमने जो लगभग 2 साल पहले नाम दिए थे, जब मांगे गए थे जो हमारे प्रभारी थे, लेकिन अभी अगर कमेटी बनी है तो उसमें कम से कम उससे तो कोई बात नहीं की गई, और उसमें उन्होंने क्या तरीका निकाला है, कोई फॉर्मूला निकाला होगा, कुछ चीज़ जो है इवॉल्व की होगी, मुझे भरोसा है कि। आपको बता दें कि राज्य में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद चकराता से विधायक प्रीतम सिंह को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद करीब 2.5 साल बाद उन्होंने अब कार्यकारिणी को भंग किया और प्रीतम सिंह जल्द ही नई कार्यकारिणी लाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले किशोर उपाध्याय इस फैसले पर खुश नहीं है। उन्होंने अपनी नाराजगी बातों ही बातों में जाहिर की है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।